बीजेपी पार्टी वालों अज लुधियाना विखे एम पी रवनीत सिंह बिट्टू खिलाफ जिहड़ा रोस प्रदर्शन रखा गया सीगा। पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा की अगवाई दे विच प्रदर्शन किया जा रहा है। इसे दौरान यूथ कांग्रेस वालों ते किसानां वालों जिहड़ा इस रोस प्रदर्शन दे विच जिहड़ा जगह ते पहुंचण की कोशिश की गई। इसे दौरान पुलिस वालों जिहड़ा यूथ कांग्रेस के प्रधान नूं भी अरैसट किया ते होर भी कई लोगों गिरफ़्तार किया। साडे नाल मौजूद ने यूथ कांग्रेस के प्रधान। की कहना जी अज्ज धरना प्रदर्शन तुसीं कीता? अज्ज लुधियाना यूथ कांग्रेस की समुची टीम वालों जिहड़े किसान साडा किसान अंदोलन के दौरान शहीद होया और एडे ठंड के मौसम के विच साडा किसान सड़कां ते बैठा और नरेंद्र मोदी ने सिर्फ तानाशाह रूप बना के रखा उहदे कन्न ते जू नहीं सरकरी। सो अज श्रद्धांजलि देन जा रहे सी जिहड़े साडे शहीद होए किसान और जिहड़ी अज इन्हां ने बीजेपी वालियां ने स्टेट लेवल की जिहड़ा रैली अज लुधियाने विखे की है तो उन्हां वल असीं जा रहे सीगे और उन्हां वल असीं जा रहे सी ते उन्हां दीआं अखां खुल्लन कि देश का जिहड़ा किसान है उहदे हक दे विच सारे देश का युवा पंजाब का युवा डट के किसानां दे हक दे लई खड़ा है। बीजेपी दी जिहड़े लीडर साहिबान हैगे ने उह सिर्फ जिहड़ा उन्हां ने अज रैली की उहदा मकसद सी कि अपने आप नूं साबित करना। वो आके कहिंदे आ जी जिहड़ा किसानां दे विरोध दे विच जिहड़े काले कानून बनाए आ उह कहिंदे जी किसानां दे हक दे लई है। जे किसानां दे हक दे लई उह काला कानून होंदे ते अज किसान ऐ सड़कां ते ना बैठे होंदे। इन्नी ठंड दे बावजूद भी साढ़े 80-90 साल दे बजुर्ग साडियां माता साडियां भैणां साडे भरा सड़कां दे उत्ते है लखां दी तादाद दे विच उह तां वह की है काले कानून वापस लए जाण। और मैं गल कहूँगा कि जिथे जिनी देर 2 महीने पंजाब का जिहड़ा किसान है वह पंजाब दे विच रहा पंजाब दे उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट करते रहे ते कांग्रेस पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जिहड़े वो किसानां दे धरने नूं कदी भी उन्होंने कोई तशद्दत नहीं उन्होंने कोई उन्होंने कोई एहो जी गल नहीं होन दित्ती। और जिदा ही पंजाब तो बाहर जदों दिल्ली नूं कूच करदा साडा किसान ते जिहड़ी मोदी सरकार की जिहड़ी पिट्ठू सरकार हैगी है खट्टड़ सरकार उन्होंने साडे पंजाब दे किसानां दे उत्ते तशद्दत कीते। तुसीं देखिया कंडीलियां तारां पानी दीआं बुशारां टीयर गैस और लाठीचार्ज और साडा किसान सारी तशद्दतां नूं सामना करदा होया दिल्ली अज बैठा और अपने हकां दे लई लड़ाई लड़ रहा। और मैं गल करनी चाहूँगा कि साडा किसान भाईचारे दे नाल साडी कांग्रेस पार्टी साडी यूथ कांग्रेस हमेशा डट के इदां ही खड़ी रहेगी और हमेशा उन्हां दे जिन्नी देर तक काले कानून वापस नहीं लै जांदे। हर वर्ग इस मोदी सरकार दे विच त्राही त्राही कर रहा है। यह गल करदे 2022 दे विच बीजेपी चुनाव लड़न दा इन्हां नूं मूंह दी खाणी पैणी है। इन्हां नूं लोगां ने इहदे बीजेपी वालिआं दे मगर पै के इन्हां नूं अगे अगे दौड़ाना ते इन्हां नूं जगह नहीं लभनी कि आपां जाइए कित्थे क्योंकि हुण जिहड़ा इन्हां दा असली चेहरा भाजपा दा लोगों के सामने आ चुका है और लोगों नूं पता लग गया कि यह सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं कोई प्रैक्टिकल गल नहीं। एक चैनल ते मैं देख रहा सीगा
उन्होंने किसी ने पूछा वो कहते जी असाई 200 रुपया सानू देता तो असं आए हैं तो पैसे बुला के और तुम देखे ही है कुर्सियाँ उत्थे खाली पईयां सी पैसे बुला के जी जिन्नी की भी 200-400 बंदा 500 बंदा जिहड़ा आया वह पैसे दे के उन्होंने बुलाया सो तुसी दूजे पासे साडा यूथ कांग्रेस का भी कट देखा तुसी कि उत्थे विच जिहड़ा यूथ है वो दिल चु गुबार सी उन्होंने की है बीजेपी जिहड़ा साडे किसान वीरां दे नाल गलत कर रही है असीं उन्होंने जवाब देना हैगा अपनी जबान दे नाल। रवनीत सिंह बिट्टू जी साडे बहुत ही सत्कारयोग एमपी साहब वो तुसीं भी देखिया कि जे धरने दे विच एम पी साहबान या किसी नेता नूं आन दी परमिशन नहीं लेकिन सिर्फ साढ़े कांग्रेस पार्टी दे एम पी साहबान और एम एल ए साहबान सड़कां ते बैठे है उही ठंड दे विच वो तां बैठे है कि किसानां दा जिहड़ा दर्द है वो अपने आप ते वी वो हंडारे कि मैनूं किसानां दा दर्द है सानूं कांग्रेस पार्टी नूं किसानां दा दर्द है तां करके असीं सड़कां ते बैठे हैं सड़कां ते सो रहे हैं सड़कां ते सारा कुछ कर रहे हैं जिन्नी देर तक काले कानून वापस नहीं ले जाऊंगे जिन्नी देर तक किसान साडा सड़कां ते उन्नी देर साढ़े जिहड़े लीडर साहबान साडा भाईचारा है वो उदां ही सड़कां ते बीजेपी कोई मुद्दा नहीं है लोगों उन्हां दा असली चेहरा पता लग चुका है कि बीजेपी सिर्फ गल्लां वाली पार्टी है जुमलियां वाली पार्टी है उन्हां कोल काम करन दा कोई मुद्दा नहीं है वो हुण किसे ना किसे तरीके दा एक गल बना के बस अपने आप नूं प्रेजेंट करना चाहुंदी है कि कुछ ना कुछ होवे लेकिन बीजेपी फेल पार्टी बन चुकी है उन्हां दा पंजाब दे विच आने वाले समय च हिंदुस्तान च नामो निशान मिट जाना क्योंकि जिहड़ी नरेंद्र मोदी दी जिहड़ी गूंगी पैरी सरकार तानाशाह सरकार दा लोगों नूं पता लग चुका धन्यवाद। सो ये यूथ कांग्रेस के प्रधान जिन्हों द्वारा जिहड़ा बीजेपी के खिलाफ एक प्रोटेस्ट भी किया जाता है तो इस दौरान पुलिस वालों यूथ कांग्रेस के जिहड़े कई लोग अरैसट भी किए जाते हैं। कैमरामैन बुल्डी दे नाल अमनदीप टाइम्स पंजाब टीवी।